नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन स्पिरिचुअल गार्डन यानी कि शिक्षा आध्यात्म वाटिका पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से ही रिलेटेड है, यानी कि अभिवृद्धि और विकास। दोस्तों, अगर मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूं तो इन दोनों का सीधा संबंध हमसे और आपसे होता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य ग्रोथ भी करता है और वह डेवलपमेंट भी करता है, यानी कि वह अभिवृद्धि भी करता है और उसका विकास भी होता है। अभिवृद्धि के बारे में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अभिवृद्धि हम बढ़ोतरी को कहते हैं, या किसी भी शरीर के आकार की जो बढ़ोतरी होती है या जो आकार में परिवर्तन होता है, बढ़ता है, उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम विकास के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों विकास हम उसे कहते हैं किसी भी चीज को सीखने या जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, जो हमारी सामाजिक समस्तता का सीखने से जो विकास होता है उसे हम दोस्तों विकास कहते हैं, क्योंकि जो विकास होता है वह आंतरिक होता है। दोस्तों, अब हम इसके बारे में बात अगर करें तो जैसा कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह है कि अभिवृद्धि का जो स्रोत होता है वह बाह्य होता है, यानी कि अगर हमारे शरीर का जो आकार है अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो उसको हम देख सकते हैं, इसीलिए जो अभिवृद्धि का जो स्रोत है बाह्य होता है। लेकिन दोस्तों जो विकास है, विकास का जो स्रोत होता है वह आंतरिक होता है। इसको दोस्तों हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जो विकास है वह अनुभव से आता है, सीखने से आता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अभिवृद्धि एक समय के बाद रुक जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो विकास है, जो एक सीखना है, विकास जो होता है दोस्तों वह जीवन पर्यंत चलने वाला होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसका कुछ निश्चित क्रम नहीं होता है, क्योंकि जो दोस्तों जो वृद्धि है हमारे आकार की, अनेक अवस्थाओं में हम देखते हैं कि जो हमारी पहली जो अवस्था होती है शैशवावस्था, उस अवस्था में जो बच्चों की जो अभिवृद्धि होती है आकार की, शारीरिक रूप की जो वृद्धि होती है वो बहुत तेजी से होती है, लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो उस अवस्थाओं में आने के बाद हमारी जो अभिवृद्धि है वह रुक जाती है। इसीलिए यहाँ पास बताया गया है कि इसका कोई भी एक निश्चित क्रम नहीं होता है, लेकिन दोस्तों विकास में एक निश्चित क्रम होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अभिवृद्धि का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन दोस्तों विकास का जो होता है वह पूर्ण रूप से लक्ष्य होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, यानी कि अभिवृद्धि का संबंध मैंने आपको बताया कि अभिवृद्धि का संबंध हमारे शरीर से होता है और हम अपने शरीर को बाहरी रूप से, यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है, इस आकार को हम अपने बहुत ही आसान तरीके से माप सकते हैं, इसके भार को माप सकते हैं, इसके लंबाई को माप सकते हैं और इसकी चौड़ाई को माप सकते हैं। लेकिन दोस्तों विकास को सीधा मापना, इसके
और बेल